हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली और आज की वीडियो दोस्तों हमारी, जो इंडिया का तोते होते हैं वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, कौन से पेड़ में अपने जो घोंसला है बनाना पसंद करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, आप देख रहे हैं हल्द्वानी फिंचिस कनूर। हल्द्वानी फिंचिस कनूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, ऐसी शानदार वीडियो के लिए, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत घना जंगल है, वहाँ पे हाथी शेर वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। तो अभी जो है हम दिन में चल रहे हैं, हम रात को तो हम जा नहीं सकते वहाँ उस जंगल में। और अभी चल के वहाँ पे दिखाऊंगा भी कितने सारे यहाँ पे बर्ड वगैरह हैं, और बहुत शानदार वहाँ पर बर्ड हैं और घना जंगल काफ़ी है, और तोतों के घोंसले भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन जो तोते हैं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। और जो गाइस जो है हमारे जो इंडिया के तोते हैं, उनको हम कैद नहीं कर सकते, उनको अपने पिंजरे में बंद करके नहीं पाल सकते। और बाकी जैसे कॉकटल, लबर्ड और बजरी तोते जो होते हैं इंडियन, वो ऑस्ट्रेलिया के, हम उनको कैद करके अपने घर में पालते हैं। लेकिन जो इंडिया तोता, इंडिया का जो तोता है उसको हम कैद नहीं कर सकते। तो बाकी दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जंगल में हैं, यहाँ से चलते हैं, आपको मैं दिखाऊँगा जहाँ पर हम जाने वाले हैं। और बाकी जो है वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और तोता कहाँ पे कितनी हाइट में जो है घोंसला बनाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं पहले गया था तो काफ़ी सारे वहाँ पे अभी जो है तोते थे, लेकिन बर्ड के जो है घोंसले जो थे खाली घोंसले थे, मतलब अंडे बच्चे कुछ नहीं थे। इस बार देखते हैं चल के उसमें अंडे आए हैं या खाली अभी भी ऐसी है। तो चलते हैं हम वहीं। तो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे तोते हैं, और घोंसला आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी घोंसला है, आपको नज़र आ रहा होगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे हर कहीं से तोतों की आवाज़ आ रही है, हर कहीं से देख सकते हैं तोते ही यहाँ पे हैं। और बाकी आपको मैं इसके घोंसला वगैरह भी दिखाऊँगा, और एक घोंसला तो आपको सामने से ही दिखा दे रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे घोंसला है, और बाकी घोंसले आपको जो है और दिखाऊँगा। तो गाइस, आप इस देख सकते हैं, इस जो सागौन का पेड़ है इसके अंदर एक घोंसले का जो घोंसला बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है एक, और इस पेड़ के अंदर देख सकते हैं तीन जगह घोंसले हैं, एक यहाँ पे है, एक ऊपर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और निकलना बहुत ही मुश्किल है अगर हाथ इसके अंदर पहुँच नहीं पाएगा, और आपको मैं और चेक कराऊँगा, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर भी एक घोंसला है तोते का, ये जूम कर दूँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पंजों का काफ़ी निशान है यहाँ पे घोंसला। और अभी मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ से भी निकले हैं एक घोंसला यहाँ पे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे घोंसले हैं और तोते बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, और एक आध घोंसला आपको मैं चल बिल्कुल करीब से दिखाऊँगा जिसके अंडे पे या बच्चे होंगे, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मैंने जूम करी है काफ़ी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये तोता इसके अंदर है, और बार बार अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसके अंदर बच्चे हैं, आपको मैं चेक कराऊंगा इसका अगर हो सकता तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे तोता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड था, और अभी उड़ा है यहाँ से, यहाँ पे इसके अंदर है, और बाकी इसके अंदर बच्चे भी हैं, बहुत हाइट में है लेकिन जाना बहुत मुश्किल बात है। ये देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर जाके इतनी ऊँचे पर है। तो आपको मैं दूसरा दिखाऊँगा, यहाँ तो बहुत ऊँचा है इसलिए मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक घोंसला है,
बिल्कुल करीब करीब मैंने बहुत सारे घोंसले देख सकते हैं इसमें, इसके अंदर ये नीचे पे है ये, यहाँ आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा इसका। और हो सकता है इसके अंदर अंडे हैं या बच्चे हैं, जो भी होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं चढ़ूँगा क्योंकि ये नीचे पे है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी देख के आऊँगा भी मैं क्या है इसके अंदर, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा इसके अंदर क्या है। चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं, इसे देख सकते हैं पेड़ है, और मैं चढ़ने में हाँफ गया काफ़ी ज़्यादा, ऊपर स्टम ऊपर हूँ मैं, काफ़ी हाइट पे खड़ा हूँ, और आपको दिखाऊँ जरूर इसके अंदर क्या है, आपको दिखाऊँ यहाँ से क्या है इसके अंदर। मुझे लगता अभी वो जब भी हाथ डालें तो बहुत साफ से डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है सांप भी इसके अंदर बैठा होता, तो बहुत सोच समझ हाथ डालें। इसमें तीन अंडे भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे में जाके हैं, अंडे दिखा दे रहे हैं इसके अंदर, तो हार्ट भी डालना होता है, हाथ आंगन ही वो। और बाकी आप देख सकते हैं तोते बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं आगे, हम आपको और दिखाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे तोते हैं, ये देख सकते हैं एक तोता यहाँ पे है, इसका हौसला है यहाँ पे, आपको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि उड़ेगा यहाँ से। ये देख सकते हैं मुझे आप, क्योंकि हर घोंसला हर पेड़ में यहाँ पर घोंसला है, बटका जो है मतलब हर पेड़ के अंदर घोंसला है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊं। अब यहाँ से पैरेट जो है वो यहाँ से निकल गया, अभी इस वाले घोंसले के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर भी घोंसला है, और अभी मैं सामने से निकला। और दोस्तों इधर से दिखाऊं आपको मैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से भी एक निकल गया यहाँ से इसके अंदर से, और हर कहीं यहाँ पे हर पेड़ में एक दो घोंसले ज़रूरी हैं, ज़रूरी मिलेंगे आपको देखने। और दिखाऊं आपको मैं, तो दोस्तों आगे चलता हूँ, आगे आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर भी देखो एक पेड़ यहाँ पर है, और इस पेड़ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे भी घोंसला है, ये इस पेड़ के अंदर चढ़ के दिखाएंगे इसके अंदर क्या है। बच्चे होंगे तो आपको दिखाएंगे, अंडे होंगे तो अब भी आपको दिखाएंगे, तो आपको चढ़ के ऊपर चढ़ूँगा पेड़ पे और आपको दिखाता हूँ। और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सिर्फ चढ़ जाऊँ पेड़ के ऊपर आपको दिखाने के लिए, कि जो तोता होता है उसके तोते के घोंसले की क्या पहचान होती है, तो आपको बताता हूँ मैं चढ़ के ऊपर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर भी आ गया हूँ, उस पेड़ के ऊपर दिखाऊँ आपको मैं, यहाँ से देख सकते हैं ये घोंसले में बच्चे ज़रूर होंगे इसके अंदर, क्योंकि जब भी हाथ डालें बहुत ही साफ डालें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं कुछ है, हाँ शायद बच्चे हैं इसके अंदर, बच्चे आपको दिख रहे होंगे बहुत अंदर जा गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक बार बच्चे निकाल लूँ बाहर, क्योंकि वहाँ तक कैमरे नहीं पहुँचा रहा मेरा। आप देख सकते हैं इस अंदर भी बच्चे हैं, मैंने बिल्कुल करीब से आपको दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये तोते पालना बैन कर रखा है, तो हम इसको कैद नहीं कर सकते, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर आया हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। तो अभी आपको मैं बच्चा निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी नीचे पे हैं, और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा, और काफ़ी ज़्यादा गहरे में हैं, क्योंकि आपको मैं कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसके ज़रिए से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें कैमरा जाने के लिए थोड़ी सी जगह है, उसमें दूसरे पेड़ में तो जगह भी नहीं थी, तो हमने उसमें देख नहीं पाया, लेकिन इसमें तो है, तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये पलमहेड जिसको बोलते हैं वो होता है। तो दोस्तों तो काफ़ी नीचे बच्चे हैं, बच्चे मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने नहीं दिखाया, ऐसी फ़ोटो में देख सकते हैं, फ़ोटो आ गया है साफ। तो अभी हम यहाँ से उतरते हैं, क्योंकि जंगल में है, जंगल में कुछ भी हो सकता है, ये देख सकते हैं हर तरफ जंगल है, और बहुत घना जंगल है। सिर्फ आपके लोगों के दिखाने चक्कर में मैं यहाँ पर आया, और ये देख सकते हैं हर जगह से आपको तोतों की नज़र आवाज़ें आ रही हैं, और मैंने आपको दिखाई भी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तोते हैं,
जिसे प्लम हेड बोलते हैं वो हैं, बंगई रिंगनेट हैं, और बाकी इंडियन तोते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और ये जगह नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे हर कहीं से तोतों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे घोंसले यहाँ पे हैं। तो आपको मैंने दो पेड़ों पर चढ़ के आपको दिखाया, तो एक में अंडे थे वो काफ़ी नीचे थे, और एक में बच्चे हैं वो आपको मैंने दिखाए। एक बार और दिखा देता हूँ, अभी मैं यहीं हूँ ऊपर, तो एक बार और दिखाता हूँ आपको। ये घोंसला गया पूरा, इससे पहले कोई आया था बंदा यहाँ पे, इन्होंने काटा था, ये पूरा घोंसला काट रखा है। बच्चे नहीं निकले उससे, काफ़ी नीचे था, फिर भी आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ, क्योंकि दो से तीन बच्चे मुझे इसके नज़र दिख रहे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। इससे प्लम हेड हैं, तीन बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे इसके अंदर, ये देख सकते हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, काफ़ी गहरे में नीचे हैं, क्योंकि पेड़ के काफ़ी नीचे घोंसला बनाते हैं ये, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आपको मैंने कई सारे घोंसले दिखाए, कई सारे इसमें जो इसमें बच्चे भी हैं, इसमें इस वाले घोंसले में तो बच्चे भी हैं, और काफ़ी नीचे में हैं बच्चे। तो दोस्तों ये जंगल जो है काफ़ी घना है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानवर जैसे शेर वगैरह भी आते रहते हैं, क्योंकि जानवरों के यहाँ पे कंकाल पड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कंकाल पड़े हैं। आप कहोगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन देखो सच में पड़े हैं यहाँ पे यार, देखो पसली वगैरह पड़ी हैं बाहर जानवरों की, क्योंकि शेर वगैरह जो है चीता वगैरह यहाँ पे इस जंगल में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा घना जंगल है ये, वही देख सकते हैं एक जानवर की हड्डी बड्डी ये पड़ी है इस साइड में। और बाकी एक देख सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत घना जंगल है, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी बाइक उस साइड में खड़ी है वहाँ दूर, तो वहाँ से मैं इधर को आया हूँ। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, और आपको मैं दिखाता हूँ बर्ड कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे कितने घोंसले बना रखे हैं, तो आपको चल के दिखाते हैं नज़दीक से, और वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक घोंसला है ये, और बर्ड की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो दोस्तों हर पेड़ के अंदर घोंसला है तोते का, यहाँ पर बर्ड का, और यहाँ से अब हम निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है, और फिलहाल में भी किसी साथ आया था तो वो बंदा यहाँ से चला गया है, तो अभी मैं इकला ही हूँ। तो हम चलते हैं आप अपनी बाइक की तरफ, मेरी बाइक उस साइड में खड़ी दूर। आपको सब कुछ दिखाया जितने तोते थे यहाँ पे हैं, और कितने घोंसले हैं, और आपको मैं चढ़ चढ़ के भी दिखाया, क्योंकि हम इंडिया तोता पाल नहीं सकते, यहाँ जो है इंडिया में बैन कर रखा है, हम केयर नहीं कर सकते, और जो बाहर के बर्ड हैं हम उनको पाल सकते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है, देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, अपने बाइक के पास में आ गए, तो आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, खुदा हाफिज़, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।